माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के कारण दुनिया भर में मचा हड़कंप। भारत सहित कई देशों में विमान सेवा पर इसका पड़ा असर। धीरे धीरे सेवाएं हो रही हैं बहाल। सर्वर ठप होने का दिल्ली एयरपोर्ट पर भी असर दिखा। सर्वर ठप होने के चलते काउंटर पर हाथ से रेखा जारी किया बोर्डिंग पास। कांवड़ यात्रा में नाम लिखने के विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों का नाम और उनकी पहचान लिखना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में नजर आने लगा पुलिस के फरमान का असर। कई दुकानदारों ने अपने रेस्टोरेंट और ढाबे पर नाम लिखवाया। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पर मचे घमासान पर नरम पड़े नकवी के सुर। कहा आस्था को लेकर सवाल नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने जाहिर की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा इस फैसले के जरिए मुस्लिमों को आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की मंशा गले से उतरने वाला नहीं है ये फरमान। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम लिखे जाने के मसले पर कांग्रेस के नेता अजय राय ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं करती बात। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले के खिलाफ नीतीश की पार्टी जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा नया फैसला पीएम मोदी के मूल सिद्धांत के खिलाफ। इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ, फिर अब क्यों। दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने वाले फैसले के पक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। अखिलेश और ओवैसी के सवालों पर जवाब दिया। कहा मुजफ्फरनगर दंगों में धर्म देखकर मुआवजा देने वाले उठा रहे हैं सवाल। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी दुकान मालिकों को अपने नामों का सत्यापन करना होगा। दुकानों के बाहर प्रॉपराइटर का नाम लिखना जरूरी है। हरिद्वार प्रशासन ने दुकानों पर पहुंचकर सत्यापन का काम शुरू किया। यूपी बीजेपी में विवाद के बाद एक्शन में आरएसएस। 20-21 जुलाई को आरएसएस और यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। दो दिन की बैठक में हो सकते हैं कई बड़े निर्णय। यूपी में आरएसएस बीजेपी की बैठक को लेकर पांच बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के निर्देश। सीएम योगी ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। यूपी के गोंडा रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा। ट्रेन के नीचे एक और शव बरामद हुआ। रेल हादसे में मौत की संख्या हुई 4। यूपी के गोंडा में रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मरम्मत जारी। कल डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हुई थी डीरेल। हादसे में 4 की मौत, तकरीबन 30 लोग हुए घायल। यूपी के गोंडा में रेल हादसे में हुए घायलों का डीएम ने जाना हाल। करीब 35 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। डीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। यूपीएससी की पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई। पात्रता रद्द करने को लेकर शो कॉज नोटिस जारी। पूजा खेड़कर पर फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी का आरोप है। नीट मामले में पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन जारी। रांची रिम्स से एमबीबीएस की एक छात्रा हिरासत में। सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक। कल पटना एम्स के 4 छात्र गिरफ्तार हुए थे। पटना में कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी टीम की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी के सभी दफ्तरों पर छापा। दस्तावेजों को खंगाल रही है। बिहार में बढ़ते अपराध में ने बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम नीतीश ने आज शाम बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पिछले कुछ समय से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिटी ने गुजरात में मौजूद अडानी समूह की खावड़ा परियोजना का दौरा किया। खावड़ा में है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अडानी ग्रुप के खावड़ा प्रोजेक्ट को देखने के बाद अमेरिकी राजदूत ने कहा प्रोजेक्ट को देखने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली। नोएडा के सेक्टर 10 में कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास की कंपनियों को भी कराया गया खाली। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का लगाया जा रहा है पता। आग से दुकान मालिक को हुआ बड़ा नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में 4 गोदामों में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश। बारिश के चलते रेल ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। कई ट्रेन रद्द की गई। बारिश की वजह से रेल ट्रैक पानी में डूबा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज राजगढ़, रायसेन, बैतूल समेत 5 और कल 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बारिश का कहर, झमाझम बारिश की वजह से कई वार्ड प्रभावित, तेज हवाओं और बारिश की वजह से थाने में गिरा विशाल पेड़, पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दब गई। भारत नेपाल की सीमा से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से छोड़ा जा रहा पानी, नेपाल से आए बारिश के पानी से कई गांवों में आई बाढ़, सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। आंध्र प्रदेश के एलुरू में पानी के तेज बहाव में फंसी एक स्कूल बस, स्थानीय लोगों ने धक्का देकर बस को किनारे लगाया, बारिश के चलते एलुरू के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, पानी के तेज बहाव में रोड पर कटाव, रोड कटने से आवागमन बंद किया गया, दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ने वाली रोड बाधित। यूपी के चित्रकूट में नहीं बरस रही इंद्रदेव की कृपा, बारिश ना होने के चलते ग्रामीणों को सता रही है फसल की चिंता, बारिश के लिए बुंदेली सेना ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े, टमाटर 100 के पार, प्याज के दाम ने लगाई हाफ सेंचुरी, अगले कुछ दिनों तक दाम में कमी के आसार कम है। महाराष्ट्र के जालना में भारी बारिश की वजह से पानी से भर गए हैं गड्ढे, सवारियों से भरी एक जीप गिर गई, हादसे में 7 लोगों की डूबकर मौत, 6 लोग हादसे में घायल हुए, घायलों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के पट्टन इलाके में पीने के पानी की किल्लत, विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर फेंके पत्थर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फेंके आंसू गैस की गोली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट का फंडाफोड़ किया, 8 आरोपी गिरफ्तार, डोनर को किडनी के लिए दिए जाते थे 4 से 5 लाख रुपए, बाद में जरूरतमंदों को महंगे दामों पर बेची जाती थी किडनी। यूपी के कानपुर आईआईटी के जंगलों में दिखा तेंदुआ, परिसर में लगे सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में जुटी। यूपी के अमेठी में एचएएल परिसर में दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम ने कल दिन भर परिसर में की कॉम्बिंग, वन विभाग के हाथ नहीं लगा तेंदुआ।